अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल सहजा ट्रैवल्स ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। ये हम अभी पहुँच गए हैं रोड पे और हल्का हल्का सा अभी ठंडी महसूस होने लग गया। क्लाइमेट अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ठंडी जैसा मौसम आ रहा है। तो ये हम आ गए हैं रोड पे, को लेके जा रहे हैं जितेंद्र जी के बंगले पे। हम आज आपको दिखाते हैं जितेंद्र जी का बंगला और अमिताभ जी का बंगला। तो आज हम नाइट में निकले हैं रिक्शे में थोड़ा ऐसी सैर करने, तो हम सोचे चलो आपको हम सब दिखा। मेरे साथ है फयाज और हम फयाज हैं और मैं हूँ। तो जा रहे हैं हम लोग एकदम रब 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 रब, रोड खाली है। तो क्या बोलता फयाज? एक नंबर, फुल धूम में। फुल धूम में, ओह आराम से भाई, आराम से चला रहा। ये है जितेंद्र जी का बंगला, देखिए कितना मस्त दिख रहा है, कितना खूबसूरत है। ये है गेट, यहाँ से एंट्री होती है। एक मिनट ना रुक जाओ प्रयास। ये है बंगला, ये वहाँ के गेट पे। और क्या बोलते भाई? ये ब्लॉग बनाता हूँ मैं यार, हल्का हल्का। कोई है नहीं लग रहा है ना घर पे? कोई नहीं है, सब बाहर। ओके, तो गाइस ये है जितेंद्र जी का बंगला कृष्णा। ये देखिए, ये है कृष्णा, बंगले का नाम है कृष्णा। तो चलिए गाइस अब हम आपको ले चलते हैं अमित जी के बंगले पे। देखिए अमित जी का बंगला है ये, और धीरे धीरे ले, धीरे धीरे ले। ये गेट है, यहाँ पे अमित जी रहते हैं। और ये हैं ये है अमित जी का गेट। ओके सर, वीडियो बनने मना कर रहा है, बहुत बड़ा है गाइस। सर ये पूरा बाउंड्री है, बहुत बड़ा बंगला है इनका। यहाँ पे ऐसे ही इनका एक बंगला जूह पे है और एक इधर भी है। तो चलिए हम आपको दूसरे बंगले पे ले चलते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं जुहू, जुहू चौपाटी नहीं गए हैं, जुहू पे ही आए हैं। जुहू का दूसरा हिस्सा है, बाजू में ही है ये, और जुहू चौपाटी जो है वो इसके थोड़ा सा आगे है। तो हमने सोचा चलो जुहू बाजू में आ गए तो थोड़ा जुहू घूम के आते हैं रात के टाइम समंदर के यहाँ। तो देखिए गाइस कैसा दिख रहा है। ये गाइस इतना मस्त लग रहा है नज़ारा। तो गाइस शाम के रात के टाइम पे चौपाटी का नज़ारा ही कुछ अलग है, कितना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है रात में यहाँ घूमने का कि क्या बोलो। मस्त लहरें हैं ठंडी ठंडी, देखिए समंदर की लहरें। और इस तरफ पूरा सारे दुकानें लगी हुई हैं। तो मेरा बस चले तो मैं तो रोज़ खाना पीना खा के रोज़ डेली रात को चौपाटी पे घूमने के लिए रोज आया करूँ, लेकिन आ नहीं पाते। हालांकि हमारे घर के बाजू में ही है, बहुत से बहुत 5 मिनट का रास्ता है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से जुहू चौपाटी घूम लिए सिर्फ 5 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट की दूरी पे ही है। लेकिन फिर भी हम लोग साल साल भर आते ही नहीं हैं, एक एक डेढ़ साल हो जाता है नहीं आते। बच्चे लोग को भी बोलेंगे तो चलो जुहू चौपाटी घूम के आते हैं, तो बच्चे लोग क्या अब बार 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 जुहू चौपाटी लेके जाते हो, नहीं आते, इसलिए हम लोग भी नहीं आ पाते हैं। गाइस देखिए कितना कितना मस्त,
अभी ये पानी भर्ती चालू हो गई है, अभी धीरे 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 पानी वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता है पब्लिक ऊपर चढ़ते रहती है, जैसे खाली होता है पब्लिक नीचे जाते रहती है। तो अभी धीरे धीरे, अभी रात का टाइम हो गया तो पानी अब धीरे धीरे ऊपर आएगा, और जैसे जैसे ऊपर आता है पब्लिक ऊपर सरकते रहती है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। यहाँ आ जाओ तो यहाँ से जाने का ना रात में मन नहीं करता है, पूरी रात यहीं पर बैठे रहो, ऐसा लगता है पूरी रात यहाँ मस्त मस्ती। तो चलिए गाइस, हम आपको जूहू चौपाटी भी घुमा दिए, तो चलिए अभी अमित जी के बंगले पे ले चलते हैं, थोड़ा सा आपको वहाँ भी अमित जी का बंगला भी दिखाते हैं। का बंगला जलसा, ये है जलसा। यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं अभिषेक, ऐश्वर्या, अमित जी, जया जी, यहीं रहते हैं। और ऑफिस भी उनका इसी के पीछे ऑफिस भी है, अमित जी का ऑफिस भी है। फिर एक वो बंगला पहले दिखाया वो है, एक ये है, तीन बंगले हैं उनके यहाँ पे। मुझे तो तीन ही मालूम है, आगे का और पता नहीं। हाँ, जू मिलन क्लब जितेंद्र का है, इसका अभिषेक बच्चन का अपने वो उधर है जो कुपर के पास, जू मिलन क्लब। तो अभी हम लोग सब घूम लिए हैं, अब जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, सोना है और सुबह ऑफिस जाना है, नहीं तो फिर काम करने को जमेगा नहीं। तो हम आ चुके हैं अभी घर पे, घूम के प्यास लगी है बहुत जोर से। तो गाइस, कैसा रहा आज का शहर? मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको मज़ा आया कि नहीं आया अब आप देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आया, रात में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। और इधर पे बैठी है मेरी, हाय गाइस, हाय गाइस, और सुहान है इधर, माहिर ले आया मेरा कलेजे का टुकड़ा। हाँ, क्या हो गया? और इधर बैठी है चिकन बल्ली, चिकन बल्ली, ये चिकन बल्ली है गाइस। हाँ, चिंडा बन्नी, क्या बोल रहा है तू? हाँ, क्या बोल रहा है? ए, क्या बोल रहा है? और यहाँ चल रहा है कौन सा सीरियल है रे? हरफूल, हरपुल मोहिनी, हरपुल मोहिनी चल रहा है उधर। क्या बोलती है वंटा? ये बता इधर, क्या बता इधर, इधर देख। हाँ, क्या मेरी जान, आ मेरी जान, आ मेरी जान। क्या हुआ सुमन, क्या हुआ? किस चीज में? क्या बोल रही, क्या बोली है ये, क्या बोली है? हाँ, क्या बोली थी मेरी? तो क्या बोल देगा इस? मजा आया कि नहीं आया जरूर बताना। नहीं, मेरे को लेके नहीं गए। चलूंगा ना संडे को, चलूंगा लेके, यार बोला ना संडे को। तू भी चलेगी रे? चलेगी नहीं, उसकी क्लास रहती होनी चाहिए, तू चलेगा? हाँ। तो संडे को हम लोग जाएंगे जरा बाहर, तो आज हाँ? तो गाइस, आज बहुत बड़ा टेंशन हो गया है, क्योंकि पुष्पा पटेल जो है ना, दसवीं के एग्जाम में फेल हो गई है। सीरियल है वो, सीरियल। बहुत टेंशन हो गया मुझे, मेरा फेवरेट सीरियल है वो, मैं कोई सीरियल नहीं देखता हूँ टीवी में, बस वही एक सीरियल देखता हूँ, एक सीरियल वो देखता हूँ या तो भी एक जेठालाल देखता हूँ, बस यही दो सीरियल देखता हूँ। लेकिन आज पुष्पा पटेल जो है दसवीं का एग्ज़ाम में तीन मार्क्स, तीन कौन से सब्जी में फेल आई रे? हाँ, तीन सब्जेक्ट, सब क्या बोलते सब्जेक्ट, नहीं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट में वो फेल आ चुकी है, तो इसलिए उसको फेल कर दिए टीचर ने। अब बेचारी को बहुत टेंशन हो गया है, तो अभी अगर आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है पुष्पा पटेल, फेल हो गई है बेचारी, थोड़ा अफसोस हो रहा है, क्या मालूम क्या होगा बेचारी के साथ। ये टीचर है, ये पुष्पा पटेल है,
रो रही है बेचारी, टेंशन हो गया। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापिस।